आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में पहले मरहले की 43 सीटों के लिए आज से शुरू होगी नामजदगी। इत्तेहादी जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम पर होगी बातचीत। हलफबरदारी के बाद हरियाणा काबीना की पहली मीटिंग आज। कलमदान भी हो सकते हैं तकसीम। बहराइच तशद्दुद में एक्शन में पुलिस, 5 मुलजिमान को किया गया गिरफ्तार। नमाज जुमा से कबल सख्त हिफाजती इंतजाम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे के दूसरे दिन आज मलावी की आला कयादत के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर एक मीटिंग में करेंगी शिरकत। मुमताज कारोबारी और सनती लीडरों नीज मलावी में भारतीय बिरादरी से भी करेंगी मुलाकात। बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड को 134 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर बनाए 180 रन। भारत पहली इनिंग्स में 46 रन पर सिमटा। और अब खबरें तफसील से। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल आज से शुरू होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से नामजदगी करा सकते हैं। इस सिलसिले में बीजेपी आज झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। रियासत के आला रहनुमाओं की मीटिंग के बाद मरकजी इलेक्शन कमेटी ने भी मुमकिन उम्मीदवारों के नामों के इंतखाब के लिए नई दिल्ली में मीटिंग की। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और रियासती सदर बाबूलाल मरांडी, झारखंड असेंबली इलेक्शन के इंचार्ज और मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान, शरीक इंचार्ज और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा और दीगर लीडरान मौजूद थे। आपको बता दें कि पहले मरहले में 43 असेंबली सीटों के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। और ऐसा लगता है कि झारखंड में हुक्मरा इत्तेहाद की हलीफ जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक हो गया है। और इत्तला के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को ज्यादा से ज्यादा 43, कांग्रेस को 29, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 5 और सीपीआईएमएल को 4 नशिस्तें मिलने की उम्मीद है। आज वजीर आला हेमंत सोरेन की सरकारी रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग होगी जिसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव और सीपीआईएमएल के कौमी जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य शिरकत करेंगे। मीटिंग में नशिस्तों की तकसीम पर हतमी मोहर लगने की उम्मीद है। हरियाणा काबीना की तश्कील के बाद हरियाणा काबीना की पहली मीटिंग आज होगी। वजीर आला नायब सिंह सैनी के दूसरी बार वजीर आला बनने के बाद ये हरियाणा काबीना की पहली मीटिंग होगी। वजीर आला नायब सिंह सैनी की सदारत में होने वाली मीटिंग में तमाम 13 वुजरा शिरकत करेंगे। मीटिंग से कबल नए वुजरा के कलमदान भी तकसीम किए जा सकते हैं। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि मीटिंग में असेंबली इजलास और पेट्रोलियम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर पर भी फैसला हो सकता है और इस इजलास में असेंबली के तमाम नए मेंबरान को हलफ दिलाया जाएगा। आपको बताते चलें कि कल अनिल विज, कृष्णलाल पनवर, राव नरबीर, महीपाल ढांडिया, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्णा बेदी, श्रीमती चौधरी, आरती राव ने हलफ लिया। राजेश नागर और गौरव गौतम ने वजीर ममलिकत आजादाना चार्ज के तौर पर हलफ लिया। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जनूबी हरियाणा से कांग्रेस के सीनियर लीडर और ओबीसी सेल के कौमी सदर और साबिक वजीर कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। हरियाणा के रिवाड़ी से 6 बार एमएलए रहे कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह मालूमात शेयर की है और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी टैग किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने लिखा है कि मैं AICCOBC डिपार्टमेंट के सदर और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनियत से अपना इस्तीफा कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है।
और अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी पर तंज करते हुए कहा है कि इस्तीफा देने का यह फैसला वाकई एक मुश्किल फैसला था। मेरे खानदान का कांग्रेस पार्टी के साथ 70 साल से ताल्लुक है। अजय यादव ने कहा कि क्योंकि मेरे वालिद मरहूम राव अभय सिंह 1952 में एमएलए बने और इसके बाद मैंने खानदानी रिवायत को जारी रखा, लेकिन सोनिया गांधी के बाद मैं पार्टी हाईकमान से बुरा सलूक करने पर मायूस हूं। अजय यादव गुरुग्राम से लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने राजबब्बर को मैदान में उतारा। अजय यादव लालू प्रसाद यादव के नजदीकी दोस्त हैं। यहां तक कि हरियाणा में कांग्रेस के मामले पर भी उन्होंने कहा था कि रियासत में पार्टी की जीत से पहले वज़ीर-आला के ओहदे की लड़ाई चल रही थी, जो ठीक नहीं थी। अजय यादव के बेटे ने रिवाड़ी से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अजय यादव के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी लीडर सीआर केसवन ने कहा है कि इससे कांग्रेस का ओबीसी मुखालिफ चेहरा बेनकाब हो गया है। पंजाब की चार असेंबली सीटों डेरा बाबा नानक चब्बेवाल और गिरडी बाहा और बरनाल के लिए जिमनी इंतखाबात होने हैं। जिमनी इंतखाबात का ऐलान 15 अक्टूबर को किया था। पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सिबनसी ने कहा है कि इन जिमनी इंतखाबात के लिए जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और पर्चों की जांच 28 अक्टूबर को होगी, जबकि पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती और नतीज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे के दूसरे दिन आज मलावी की आला क्यादत के साथ दो तरफा बातचीत करेंगी। बता दें कि वो आज मलावी की आला क्यादत के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर एक मीटिंग में शिरकत करेंगी और इसके अलावा मुमताज कारोबारी और सनती लीडरों नीज मलावी में भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात करेंगी। कौमी जंगी यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाने के बाद सदर जमहूरिया कामोजो समाधि पर भी फूल चढ़ाएंगी। और मलावी के अपने तीन रोजा दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मलावी में मुकीम भारतीय बिरादरी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने भारतीय बिरादरी से लोगों ने उन्होंने खिताब को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। सदर जमहूरिया से मिलने के लिए पुरजोश नजर आए और हमारे नामा निगार अजीत द्विवेदी ने प्रोग्राम में आने वाले भारतीय निजात शहरियों से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। मलावी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुनने के लिए पूरे मलावी से बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय लिलोंगवे आया हुआ है और उसने राष्ट्रपति को सुना है। कैसा लगा आपको, क्या रहा आप जो राष्ट्रपति ने बोला, किस तरह देखते हैं आप? ऐसे मैं इंडियन हूं और आज का जो दिन था वो हमारे लिए, जो मलावी में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि बहुत कम मौका इस तरीके से मिलता है कि हमारे बड़े कोई नेता यहाँ पर आए और उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो। तो ये जिस तरीके से आज का दिन था हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था और हम बस यही अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके से इंडिया से हमारे नेता आते रहें और लोग इसको एंजॉय करते हैं। पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पे हूँ और इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ पे है they are very much respected amongst the Malawians and the local people. It's a great moment and historical moment for Indian in Malawi that first time Indian president has visited us. The country is going to be together, you know, in a strong relationship for many activities towards business for we Indian to grow in a different country like Africa. महामहिम के आने से निश्चित रूप से भारत और मलावी के संबंध तो मजबूत होंगे। सांस्कृतिक
तकनीकी रूप से और व्यापार के रूप से भी भारत को बहुत से लाभ होंगे, क्योंकि यहाँ अगर भारतीय अगर व्यापार कर रहे हैं और वहाँ से अगर तकनीक अगर हम लोग यहाँ दे रहे हैं, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में बहुत स्कोप है। इनका आना बहुत अच्छा रहा, आगे हमारे टाई अप और भी अच्छे होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, इसकी उम्मीद है। बिल्कुल, तो मलावी में जो भारतीय समुदाय है वो काफी खुश है और उनका मानना है कि अब जो भारत और मलावी के संबंध है वो और मजबूत होंगे। भारत जिस तरीके से मलावी का सहयोग करता है तमाम क्षेत्रों में वो और ज्यादा बढ़ेगा और भारत और मलावी जो है दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन समुनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंगवे, मलावी। और इंसानी हकूक के कौमी कमीशन के कयाम के 31 साल मुकम्मल होने के मौके पर विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया भी खिताब करेंगे। यौम तासीस की तकरीबात कमीशन के इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ और फरोग के अज़्म की याद दिलाती है। कमीशन बूढ़े अफराद के हकूक पर एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम करेगा, जिसका मौजू भारत में बुजुर्गों के लिए बुनियादी ढांचे, कानूनी तहफ्फुज़, सलामती के हकूक और इदारा जाती तहफ्फुज़ का जायजा होगा। ये कॉन्फ्रेंस तीन बड़े तकनीकी सेशन के तहत मम्मर अफराद के मुख्तलिफ खदशात को दूर करेगी, जिनमें उम्र रसीदा आबादी को एड्रेस करना, उम्र बढ़ने का ज़ईफ़ी नुक्ता नज़र और सेहत की देखभाल के मंजरनामे का जायजा लेना है, और सेहतमंद जिंदगी, पैदावारियत और समाजी तहफ्फुज़ पर असरात शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइश तशद्दुद के 5 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से कबल पुलिस और मुलजिमान के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 2 को टांग में गोली लगी है। ये मुलजिमान नेपाल फरार होने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। जख्मी सरफराज और तालिब नामी नौजवान गोपाल मिश्रा के कत्ल के अहम मुलजिमों में शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने राम गोपाल मिश्रा के कत्ल के इल्ज़ाम में मरकजी मुलजिम अब्दुल हमीद, उसके बेटे मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। इस एनकाउंटर के बाद अब सियासी इनकाउंटर हो रहा है। अपोजिशन पुलिस की कार्रवाई पर उंगलियां उठा रही है। आज नमाज जुमा के पेश नज़र इलाके में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कम उम्री की शादी पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त पर आज फैसला सुनाएगा। एक एनजीओ की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया है कि रियासती सतह पर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट को सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कम उम्री में शादी के मामले बढ़ रहे हैं। समाअत के दौरान अदालत ने मरकजी हुकूमत से कहा था कि वो रियासतों से मशवरा करके ये बताएं कि बच्चों की शादी पर पाबंदी के कानून के मौसर निफाज के लिए उनकी तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट आज ओटीटी प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए रेगुलेटरी बोर्ड की तश्कील का मुतालबा करते हुए दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगी। वकील शशांक शेखर झा की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ताहम ओटीटी मवाद के लिए ऐसा कोई निजाम नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स पर पुरतशद्दुद और फहश मवाद पर पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसे मवाद की बहुतात है जो मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा बन सकती है। मौजूदा आईटी रूल्स से रेगुलेटरी करने में नाकाम साबित हुए हैं और इसलिए ये जरूरी है कि हुकूमत इस प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाने वाले मवाद की निगरानी के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड तश्कील दे। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर और मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम सत्येंद्र जैन की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर आज अपना फैसला सुना सकती है। जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 30 मई 2022 को उनसे मुबैना तौर पर मुंसलिक 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और इस वक्त वो अदालती हिरासत में जेल में हैं। आसाम के अगरतला और लोकुमनिया तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। डिबालोंग स्टेशन पर इंजन समेत 8 बोगियां हादसे का शिकार हो गई। इस वाकये में अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। तमाम मुसाफिरों को ट्रेन से बाहिफाजत निकाल लिया गया है और इसके साथ ही लमडेंग बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रेनों का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। हादसे के बाद ट्रेन की मरम्मत का काम जारी है।
मेडिकल वैन हम लोग का है, वो हम लोग स्पॉट में रेडी था। आके देखा ज्यादा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, पैसेंजर को सेफ्टी से हम लोग पास किया है और बाकी हम लोग काम स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा करके कटिंग करके और लेबर पार्ट भी है, ट्रैक बना के थोड़ा गाड़ी आगे टर्न किया और चार पांच गाड़ी आगे बढ़ाया, अभी तक काम चल रहा है। अभी भी चार गाड़ी तो ट्रैक पर उठ गया है और चार गाड़ी बाकी है। अभी हम लोग को सब ऑफिसर सुपरवाइजर सब यहाँ पर है, हम लोग का सब स्टाफ इधर में है। अभी कोशिश कर रहा है अभी चार गाड़ी जल्दी से जल्द उठाने के लिए। अभी कैरन तो आया है इधर में और जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे और करता रहेंगे। अभी हम लोग यहाँ महावीर आया है, कैरन आया है, कैरन से वो उसको उठाया जाएगा और यूटी से हम लोग को वो भी उठाएगा। लाइन क्रेक हो गया, टूट गया, ऐसा पॉइंट में ऐसा हुआ है, तो उसके बाद में इंजन टानेगा, थोड़ा थोड़ा करके टानेगा, एक एक करके ऐसे ऐसे करके हम लोग तीन चार गाड़ी उठा लिया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी आमेज पैगाम आया है जिसमें अदाकार सलमान खान से 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया है। यह धमकी आमेज पैगाम मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मौसूल हुआ है। इसमें अदाकार सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ देरीना दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया है। पैगाम में यह भी लिखा है कि उसे हल्के में ना लें वरना सलमान खान को सजा दी जाएगी, हालात बाबा सिद्दीकी से भी बदतर होंगे, फिलहाल इस मामले की तहकीकात मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने घरेलू और बैनुल अक्वामी परवाजों को निशाना बनाने वाले बम की धमकी के हालिया वाकयात की तहकीकात तेज कर दी है और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने इन धमकियों को फैलाने वाले अकाउंट्स के बारे में मालूमात के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राब्ता किया है। ये शुबा है कि इन धमकियों के पीछे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट बनाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या डार्क वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो मुतादित अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए पैगाम पोस्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस ने आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राब्ता किया है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस से भी राब्ता किया है। पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 20 हो गई है। पहली बार जिला इंतजामिया ने तस्दीक की है कि सिवान में 20 और सारण में 4 लोगों की मौत हुई है। कार्रवाई की बात करें तो जहरीली शराब के खिलाफ मुहिम के तहत 8 नामजद अफराद में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जहरीली शराब के खिलाफ मुहिम के तहत 37 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान पुलिस को हजारों लीटर शराब मिली है जिसे तल्फ कर दिया गया है। पुलिस और महकमा एक्साइज की खसूसी छापामार कार्रवाई में थाना गोरिया कोठी के तहत तकरीबन 3000 लीटर देसी नीम तैयार शराब को तल्फ कर दिया गया। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि जिस जहरीली मशरूब के नतीजे में सिवान और सारण में लोगों की मौत हुई है उसमें मिथाइल एल्कोहल और इंडस्ट्रियल स्प्रिट की मकदार ज्यादा थी। जाए वकू से बरामद होने वाली बोतल का महकमा एक्साइज की लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो इसमें मिथाइल एल्कोहल की मकदार 80% तक पाई गई है। सऊदी अरब के विजन 2030 का मकसद सऊदी अरब और सऊदी माशरे में तारिकीन वतन कम्युनिटीज के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इस विजन के तहत सऊदी अरब ने ग्लोबल हार्मोनी इनिशिएटिव का आगाज किया है। विजन 2030 के तहत तालीम के शोबे में दो तरफा तावुन में इंजमाम और हम आहंगी के जज्बे को किस तरह से फरोग दिया जा रहा है। रियाद से डीडी न्यूज की नामानिगार मुनमुन भट्टाचार्य की खसूसी रिपोर्ट देखिए। रियाद के दिल में बसा एक भारतीय स्कूल, आप जो तलबा यहाँ देख रहे हैं वो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में रहने वाले एक मुतहरिक और बड़ी भारतीय कम्युनिटी के खानदानों से हैं। कुछ तलबा को अपने क्लासरूम के बाहर देखा जा सकता है तो कुछ बास्केटबॉल और कुछ बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये अरब मुल्क में 2004 में कायम होने वाला दिल्ली पब्लिक स्कूल का पहला फ्रेंचाइज स्कूल है। सऊदी अरब में सबसे पहले इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की बुनियाद रखी गई थी साल 1982 में। इस तरह के स्कूल भारतीय कम्युनिटी के जरिए चलाए जाते हैं और भारतीय सिफारतखाने की तरफ से ताउन किया जाता है। CBSE से मुंसलिक ये स्कूल भारत में CBSE के रहनुमा खतूत पर अमल करते हैं,
जबकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले असातिज़ा अहल पेशावर हैं। इंडियन कम्युनिटी के असातिज़ा के अलावा कुछ अरब लोग भी यहाँ पढ़ाते हैं। The Saudi Arabian government and especially the Ministry of Education, they encourage Indians to open schools and they extend all kind of facilities and services to the schools. Particularly, they have allowed the female teachers to be employed by the schools, which was not the case earlier. आज सऊदी अरब में ऐसे 38 भारतीय स्कूल CBSE से वाबस्ता हैं, जिसमें तकरीबन 1,00,000 भारतीय तलबा तालीम हासिल करते हैं। ये स्कूल CBSE के सऊदी चैप्टर के तहत आते हैं। इन स्कूलों में से एक इंडिया इंटरनेशनल स्कूल दम्मम ने एक मिसाल कायम की है। इस स्कूल ने भारत या बैरून मुल्क किसी भी सेकेंडरी स्कूल में सबसे ज्यादा 18,000 तलबा का दाखिला करवा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई। ताहम COVID-19 वबाई मर्ज से यहाँ तलबा की तादाद में कमी वाकई हुई, लेकिन आज ये तादाद फिर बढ़ गई है। भारत और सऊदी अरब के दरमियान तालीम के मैदान में तावुन इस अरब मुल्क में भारतीय बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए एक अच्छी अलामत है। सऊदी अरेबिया ने विजन 2030 आगे रखा है और इस विजन 2030 के तहत यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया जो है उसने ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव का आगाज किया है। इस इनिशिएटिव के तहत हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया काफी सारे देशों के साथ अपने संबंध शिक्षा के क्षेत्र में प्रगाढ़ कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो ये जो स्कूल आप पीछे देख रहे हैं ये एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल है जो भारत ने बनाया है, ये है DPS रियाद, और हम देख रहे हैं कि कैसे भारत और सऊदी अरेबिया शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी दिखाता है कि सऊदी अरेबिया कैसे खुल रहा है और काफी सारे देशों के साथ उसके संबंध और मजबूत हो रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य रियाद से DD न्यूज के लिए। और नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शायें उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं जिनकी अहम सुर्खियां कुछ इस तरह से हैं। आसाम के पनाह गुजीनों के लिए शहरियत कानून की दफा 6A बरकरार रहेगी। 1971 से पहले आसाम आने वाले मुहाजरीन के हकूक महफूज हैं। सुप्रीम कोर्ट का 4-1 से बड़ा फैसला। ये दफा 1985 में आसाम मुहाहदे के बाद बनी थी और कानून का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। अब रेलवे रिजर्वेशन सिर्फ 60 दिन पहले हो जाएगा कंफर्म। इंडियन रेलवे ने वेटिंग टिकट के कवानीन में कुछ तब्दीलियां की हैं। अब 120 दिन के बजाय आप 60 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया को दुश्मन मुल्क के तौर पर पेश किया है। ये सभी जानते हैं कि शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान किस तरह से कशीदगी रहती है, लेकिन अब एक नए वाक़े में यहां आपको बता दें कि पहली मर्तबा जनूबी कोरिया को दुश्मन मुल्क करार दिया गया है शुमाली कोरिया की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। जनूबी और मशरकी लबनान पर इसराइल के हमले अभी भी जारी हैं। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं और साबिक वजीर आजम शेख हसीना को अवामी लीग की सरकर्दा लीडर समेत 45 दीगर की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं। बैनुल अक्वामी खबरों की तरफ अगर बात करें तो जनूबी और मशरकी लबनान पर इसराइल के हमले अभी भी जारी हैं और इनखला की नई वार्निंग जारी की गई है। वहीं इसी से जुड़ी एक और खबर में नितिनयाहू ने कई ईरानी अहदाफ पर हमले की मंजूरी दी है। ये इसकी एक नई पेशरफ्त है। और आगे बढ़ते हैं। कुछ मजीद खेल की खबरें जान लेते हैं जहां भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद भारतीय टीम की पहली इनिंग सिर्फ 46 रन तक महदूद रही। भारत की जानिब से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। टीम इंडिया सिर्फ 31.2 ओवर ही बल्लेबाजी कर सकी। भारत के 46 रन के जवाब में मेहमान टीम न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 180 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड को भारत पर 134 रन की बढ़तरी हासिल है। न्यूजीलैंड की 7 विकेटें बाकी हैं और रिचन रविंद्र 22 रन के साथ जबकि डेरल मिशेल 14 रन के साथ न्यूजीलैंड की इनिंग्स को आगे बढ़ाएंगे।
भारत के विवान कपूर ने दिल्ली में मुनक़िद शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में मर्दों के ट्रैप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। विवान कपूर ने 44 के स्कोर के साथ चांदी का तमगा जीता। और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में मर्दों के ट्रैप मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने वाले विवान कपूर का कहना है कि तमगा जीतने के बाद वो एतमाद से भर गए हैं। विवान का ख्वाब है कि वो लॉस एंजलिस ओलंपिक में मुल्क के लिए तमगा जीतें। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।